everyone, how are you all? Welcome to your English class. We are doing the book Literary Journeys and English Reader Primer Book by Brainroot series. इस बुक के अंदर हम सबसे पहले हमारे पास जो चैप्टर है यहाँ पे आज के लिए वो है यूज ऑफ द. ठीक है, तो हम देखेंगे हम द कैसे यूज करते हैं. द जब हम यूज करते हैं ना तो हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हैं. जब हम किसी स्पेसिफिक चीज को पॉइंट करते हैं तो हम द लगाते हैं. जैसे दिस इज अ डक, द डक इज स्विमिंग. दिस इज अ काउ, द काउ गिव्स अस मिल्क. दिस इज अ पेन, द पेन इज ब्लू. दिस इज अ ट्रेन, द ट्रेन रन्स ऑन track. These are parrots, the parrots are green. This is a tree, the tree is green. तो किस तरीके से हमने द लगाया जब हम किसी एक चीज को पॉइंट करते हुए बोले. जैसे दिस इज एन एग, द टी एच ई द एग इज ओवल. दिस इज अ वेल, द वेल इज हियर. देखो इस वेल के बारे में बात कर रहे हैं, इस एग के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करते हुए द लगाते हैं. नेक्स्ट, दैट इज अ माउस, द माउस स्क्वीक्स. सो यहां पे भी द आएगा. दिस इज अ फाउंटेन, द फाउंटेन इज लवली. दिस इज अ नेस्ट, द नेस्ट हैज एग्स. This is the sun. अब बीच में है तो टी बड़ा नहीं आएगा, याद रखना. This is the sun is round. Okay, the sun is round. बात समझ आ गई? चलिए, very good. Now that's it for this chapter. Thanks for watching. I will meet you in the next topic now. Till then, goodbye and take care.